मथुरा में मंडी समिति परिसर में अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके विरोध में लामबंद हुए व्यापारी पिछले काफी दिनों से अपनी दुकानें बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि मंडी सचिव पर दादागिरी करने का आरोप भी लगा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल नेता ताराचंद गोस्वामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लामबंद हुए लोगों ने मंडी समिति प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनकी दुकानों को हटाया जा रहा है, जिससे वह भुखमरी के कगार पर हैं। प्रशासन के तानाशाही पूर्ण व्यवहार से जिससे व्यापारियों में काफी आक्रोश और गुस्सा बना हुआ है। इसके विरोध में मंडी समिति परिसर में काफी दिनों से व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर हड़ताल पर हैं। रालोद नेता ताराचंद गोस्वामी ने चेतावनी दी है कि 30 वर्षों से अपना कारोबार कर रहे व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि बताया जा रहा है कि सुनील शर्मा जो इस समय मंडी सचिव हैं, उनके भाई विधायक बताए जा रहे हैं, इसलिए सचिव किसी की नहीं सुन रहे, जिस कारण हम लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। यहां तक कि डीजे के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। इससे यही साबित होता है कि सचिव अपनी दबंगई और पद का गलत उपयोग कर रहे हैं। क्यों बैठे हैं? देखिए, अभी मेरे सामने मेरे बड़े भाई ताराचंद गोस्वामी जी ने आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए पूरे जन तक पहुँचाई है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी आपने पूछा था कि आप इस पे धरने पे क्यों बैठे हैं। हमने पूरी कोशिश की, सभी अधिकारी जन के पास पहुँचे, पूरा हमने उनको वार्तालाप किया। वार्तालाप करने के बाद में जब हमारी सुनवाई नहीं की गई, तब हमने ये रास्ता अपनाया। अगर मान लीजिए आपकी बात अब भी नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे आप? अगर हमारी बात क्यों नहीं मानी जाएगी? जो संविधान से छेड़छाड़ करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, क्यों नहीं मानी जाएगी? जब संविधान कहता है कि न्यायपालिका सबसे ऊपर है, तो क्या न्यायपालिका का मतलब जिस तरह से मतलब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो हम भी उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते हैं? हम भी नहीं मानते हैं उनके आदेश को। सीधा सा मतलब जो फैसला है, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे साफ रणनीति है, मेरे बड़े भाई ने भी बताया है आपको कि जिस तरह से हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। जिस तरह धरना प्रदर्शन देश में होता है, जो संविधान के अंतर्गत चलता है, हम उसको। आपका? मेरा नाम है सिराज भाई। आज ऐसी क्या नौबत आ गई जो आप आमरण अनशन पर बैठे हैं? ऐसी नौबत आ गई, 11 तारीख से हम धरने पर, मंडी के व्यापारी और आड़ती सब धरने पर बैठे हुए हैं। 11 तारीख से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज हम उसमें आ गए, इसलिए आ गए कि 1989 में हमको जो है यहाँ पुरानी मंडी होलीगेट गोविंदगंज से मंडी आई थी, मंडी बाईपास पे हम लोगों के लिए जमीन आवंटन की गई, लाइसेंस हमें दिए गए, किराया हमसे लिया गया, लाखों करोड़ों रुपए का हमारा टैक्स है 30 साल के अंदर। मगर आज सचिव महोदय, माननीय इनके जो भाई जो है वो विधायक है अनिल पारा सर, जो उनकी तानाशाही में, बीजेपी सरकार की तानाशाही में, इन लोगों ने जो व्यापारियों पे जो अधिकारों जो हटाने के लिए जो बहाना लगाया, इन पे जो बिल्डोजर चलाए, इनों की बहुत बड़ी तानाशाही रही है। लोगों के करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान है, गवर्नमेंट का भी नुकसान है जो टैक्स ना पहुंच पाया। आज धरना नया नहीं है, रोजाना धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज 13वां दिन है, 11 तारीख से व्यापारियों ने, मजदूरों ने धरना दिया। धरने का मकसद क्या कि यहाँ पर शासन आया, पूरा प्रशासन आया, यहाँ के जो सचिव हैं सुनील कुमार जी, वो शर्मा जी, वो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा था कि अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ, अतिक्रमण कहीं अंदर होता है या अतिक्रमण रोड पर होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबका साथ सबका विकास के करने वाले ये भाजपा की सरकार और उनके भाई अनिल पारा सर के भाई है ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अलीगढ़ के अंदर जो सुनील यहाँ पर शर्मा है सचिव महोदय, वो उनके छोटे भाई या बड़े भाई हैं। वो ये चाह रहे हैं, हमारी बीजेपी सरकार है, मेरा भाई विधायक है, मुझे कुछ नहीं कर सकता। अरे आपको पता नहीं है, ये जनता है, जनता का डीएम, जनता का एसपी, जनता का तो पब्लिक सर्वेंट होता है, ये पब्लिक सर्वेंट है। यदि तुमको वास्तव में राजनीति करनी है और बदला लेना है तो इस्तीफा दे करके आइए, जब आकर के करिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई है आज से कर्मी कंसल शुरू कर दिया है,